अपने राम के लिए देश भर से लोग अयोध्या आ रहे हैं। 22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा है। इसके बाद आम लोगों के लिए राम के द्वार खोल दिए जाएंगे। 23 जनवरी से राम मंदिर में 3 बार भव्य आरती की जाएगी। राम की आरती में शामिल होने के लिए भक्तों को पास की जरूरत पड़ेगी। भीड़ भाड़ से बचने के लिए और राम की आरती में शामिल होने के लिए आप इन माध्यम से आरती पास बुक करा सकते हैं। राम भक्त सुबह, दोपहर और शाम की आरती के लिए पास ले सकते हैं। इसके लिए श्री राम जन्मभूमि की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। यहां पर अपने समय अनुसार आपको कौन सी आरती में शामिल होना है पास बुक करा सकते हैं। फिलहाल आपको जानकारी के लिए बता दे, अभी 22 जनवरी तक आरती के तीनों स्लॉट हाउसफुल हैं। वहीं 25 जनवरी के बाद का पास बुक करा सकते हैं। राम भक्त पास बुक कराने के दौरान यह ध्यान रखें कि आपको इस दौरान सरकारी आईडी प्रूफ भी देना होगा। आरती पास लेने के लिए सरकारी पहचान पत्र के साथ श्री राम जन्मभूमि के कैंप ऑफिस में पहुँचे। 10 साल के बच्चों के लिए आरती पास लेने की जरूरत नहीं है। पहचान पत्र की एक कॉपी साथ में रखें। आरती के दौरान एंट्री के वक्त जांच के लिए मांगी जाएगी। अगर कोई अपनी पास की बुकिंग कैंसिल करता है तो दूसरे भक्तों को वह पास दिया जाएगा। आरती पास की व्यवस्था ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में है। ऐसे में जिन्हें ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं है, वह श्री राम जन्मभूमि के ऑफिस में जाकर ऑफलाइन मोड में पास ले सकते हैं। मालूम हो कि 22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए कई राम भक्त कई दिनों से पैदल ही चल रहे हैं और उनका प्रण है कि वो अयोध्या पहुंचेंगे। वहीं दूसरी तरफ राम भक्तों का स्वागत करने के लिए अयोध्या सज धज कर तैयार है। राम पथ से लेकर धर्म पथ का आकर्षण राम भक्तों का मन मोह रहा है। लाखों भक्तों के ठहरने के लिए प्रशासन के द्वारा उचित व्यवस्था की जा रही है। भक्तों के खान पान से लेकर उनकी सभी सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। अभी से ही अयोध्या में कई जगहों पर स्थान चिन्हित किया गया है। यहाँ पर लोगों के ठहरने के लिए उचित व्यवस्था की जा रही है। सरयू घाट पर स्नान करने की होड़ है तो रामलला के दर्शन करने के लिए अभी से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। इस वीडियो में बस इतना ही।